दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आप फ्लिपकार्ट के अंदर आपने सामान ऑर्डर किया है यानी कि आपने सामान मंगवाया हुआ है फ्लिपकार्ट में तो आखिरकार अपने फ्लिपकार्ट के अंदर अपना ऑर्डर कैंसिल कैसे करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में आप ऑर्डर करने के बाद आसानी से कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसे कैंसिल करना चाहते हैं तो कैसे कैंसिल करेंगे, अगर आपका ऑर्डर शिफ्ट हो गया है तो आपका कैंसिल कैसे होगा, तो वैसे वीडियो को ध्यान से देखिए तभी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा और उसे आपको ओपन कर लेना होगा। अगर आपका पहले से डाउनलोड है और आपने ऑर्डर किया है तो एक बार चेक कर लेना होगा कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्लिपकार्ट के अंदर एक नया अपडेट आया हुआ है, क्योंकि फ्लिपकार्ट के अंदर हमेशा नए अपडेट आते रहते हैं। तो आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा, यहां पर आपको सर्च बार पर क्लिक करना होगा फ्लिपकार्ट और आपके सामने फ्लिपकार्ट आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर कोई भी अपडेट मिला है तो आप इस पर क्लिक करके इसे अपडेट कर लीजिए और फिर आप इसे ओपन कर लीजिए, तो इस तरीके से आपका फ्लिपकार्ट ओपन हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ऑर्डर को कैंसिल करना है, चाहे आपका ऑर्डर शिफ्ट हो गया हो या अभी आपका ऑर्डर शिफ्ट नहीं हुआ हो, आसानी से आप कैंसिल कर पाएंगे। तो कैंसिल करने के लिए आपको अपने अकाउंट सेक्शन पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर आपका ऑर्डर सेक्शन मिलेगा, ऑर्डर सेक्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सारे ऑर्डर आपको दिखाई देंगे जो आपने ऑर्डर यहाँ पर बुक किया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास ये ऑर्डर हैं, एक हमारे पास ये ऑर्डर है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑर्डर हमें यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। लेकिन ये ऑर्डर हमें कब मिलेगा, तो यहाँ पर इसका डेट दिखाई दे रहा होगा कि ये हमें 30 जुलाई को मिल जाएगा। लेकिन एक ऑर्डर और हमारे पास है, यहाँ पर दिखाई देगा कि ये ऑर्डर हमें आज ही मिल जाएगा लेकिन हमें इसे कैंसिल करना है। यहाँ पर देखेंगे ये भी हमारा ऑर्डर शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ पर आपको दो तरीके बताएंगे, अगर आपका ऑर्डर शिफ्ट हो गया है तो आपका कैंसिल कैसे होगा और अगर आपका ऑर्डर शिफ्ट नहीं हुआ है तो आपका ऑर्डर कैंसिल कैसे होगा। तो सबसे पहले बताते हैं अगर आपका ऑर्डर शिफ्ट हो गया है तो उसे कैंसिल कैसे करेंगे। शिफ्ट होने के बाद आपको अपने ऑर्डर पर क्लिक करना होगा, ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कहीं पर भी कैंसिल ऑर्डर करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लेकिन आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट ऑर्डर, एक बार इस पर क्लिक करके चेक कर लें कि आपको कैंसिल करने का ऑप्शन मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आई वॉन्ट टू कैंसिल माई ऑर्डर, अब आप इस पर क्लिक कर दें, जो आपका ऑर्डर होगा वो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर के एजेंट की तरफ से। तो आपको ये ऑप्शन मिल चुका है, एक ऑप्शन मिलेगा नीड हेल्प का, अब आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे क्वायरी निकल कर आ जाएंगी और आपसे एक गूगल का असिस्टेंट आपसे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा वेयर इज माई ऑर्डर, एक मिलेगा गेट डिलीवरी ऑन अदर नंबर, एज यहाँ पर मिलेगा एज फास्टर डिलीवर पॉसिबल, चेंज डिलीवरी एड्रेस और मोर ऑप्शन, आपको मोर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन और आ चुका है कैंसिल माई ऑर्डर और एक आ चुका है वाई इज माई ऑर्डर डिलेड, यानी कि आपको कैंसिल यानी कि अपने ऑर्डर को कैंसिल करना है तो आपको कैंसिल माई ऑर्डर पर क्लिक कर देना होगा और आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, कोई भी आपको परेशानी नहीं मिलेगी चाहे आपका ऑर्डर शिफ्ट हुआ हो या ना हुआ हो। तो यह हो गया पहला ऑप्शन अगर आपका ऑर्डर शिफ्ट हो गया है। अगर इस तरीके से कैंसिल नहीं होता है तो आपको यहां पर फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से बात करना पड़ेगा और आपको फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से बात कैसे करते हैं इस पर मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन अगर आपका ऑर्डर कैंसिल करना है और आपका शिफ्ट नहीं हुआ है तो आपका कैंसिल कैसे होगा, अगर आपका ऑर्डर शिफ्ट नहीं हुआ है तो आपको बता दें, फिर आपको कैंसिल करने का एक यहीं पर एक विकल्प मिल जाता है कैंसिल करने का। जैसे हम यहां से बैक आते हैं, जैसे आपको दिखा दें हम यहां पर एक ऑर्डर दें, हम एक यहां पर ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक अभी अभी ऑर्डर बुक किया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा ऑर्डर है और इसे मैंने अभी अभी यहाँ पर बुक किया है, लेकिन आपको मैंने कैंसिल करने के लिए बुक किया है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो हमारा ये ऑर्डर है ये मैंने अभी अभी बुक किया है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है एडिट यानी कि एडिट ऑर्डर का, अब आप एडिट ऑर्डर पर क्लिक कर दीजिए क्योंकि आपका ये ऑर्डर अभी शिफ्ट नहीं हुआ है। तो एडिट ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मिल जाएगा आई वॉन्ट टू कैंसिल माई ऑर्डर, अब आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, कैंसिल ऑर्डर पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, आपके सामने एक रीजन आ जाएगा, आपको अपना एक रीजन कोई भी आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप इसे चूज करेंगे यहां पर मिल जाएगा कमेंट का ऑप्शन, अब आप यहां पर कोई भी आप कमेंट कर दीजिए, तो हम यहां पर लिखेंगे कैंसिल और नीचे मिल जाएगा आपको सबमिट रिक्वेस्ट, अब आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका मिल जाएगा कैंसिलेशन ऑर्डर कंफर्म, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया है,
चेक स्टेटस पर आप क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया है। तो ये वो आसान तरीका है जिसका यूज करके अपने शिफ्ट ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं और अपने जो आपका शिफ्ट ऑर्डर नहीं हुआ है उसको भी कैंसिल कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।